गुना में शहीद हुए तीन पुलिसकर्मियों को ओल्ड कैंपियन क्रिकेट ग्राउंड पर सारंस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट और गोल्डन ग्रुप की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बीती रात हुई हृदय विदारक घटना में तीन पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गोल्डन ग्रुप और सारंस ग्रुप के द्वारा ओल्ड कैंपियन ग्राउंड में चल रही इंटर कॉर्पोरेट 20 क्रिकेट टूर्नामेंट सेमीफाइनल मैच के पूर्व जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन के जंगलों में कुछ शिकारी शिकार करने के इरादे से गए। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल एक टीम गठित करके मौका वारदात पर रवाना किया, जहां पर पुलिस के जवानों एवं शिकारियों के बीच कई राउंड फायर हो गए। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जी, आज सुबह जब हमें बहुत ही दुखद घटना का पता चला कि हमारी समाज की सुरक्षा प्रदान करने वाले हमारे भाई पुलिसकर्मी भाइयों को शहीद कर दिया गया है कुछ असामाजिक तत्व शिकारियों द्वारा, तो बहुत ही दुख हम लोगों को हुआ इससे। और इसलिए हमने सबसे पहले मैच शुरू होने से पहले ये सोचा कि उनको श्रद्धांजलि देना सबसे महत्वपूर्ण है, और हम लोगों ने इसलिए उनको बहुत बड़ी भावभीनी मन से श्रद्धांजलि दी। और हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं, और हम सब, हमारा पूरा भारतवर्ष और हम सब भारतवासी ऐसे कठिन समय में मृतक परिवारों के साथ खड़े हैं। ठीक है, बैनर तले हम लोगों ने मौन सभा का आयोजन किया। टूर्नामेंट हम लोगों का 6 मई से शुरू हुआ था और टोटल 12 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आज हम लोगों का 2रा सेमीफाइनल है, ये पहला सेमीफाइनल है, 2रा शाम को है और फिर कल हम लोगों का फाइनल खेला जाएगा। ये पहला मैच तो करीब 7:30 बजे तक खड़ा खत्म हो जाना चाहिए, 7:30-8 तक, फिर 8:30 से दूसरा मैच होगा तो 11:30-11 बजे तक वो खत्म हो जाएगा। 3:30 कुल 12 टीमों ने इसमें भागीदारी, ये टीमों का हमारे टेक्निकल वाले बता पाएंगे। हमारी इसमें 12 कॉर्पोरेट, कुल 12 टीमों ने भाग लिया है। ये कॉर्पोरेट टूर्नामेंट है, तो इसमें हमारी जो टीम्स हैं ये सब कोई ना कोई कॉर्पोरेट को, कोई ना कोई बिजनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें हमारे साथ जो कुछ नाम जुड़े हैं उसमें से BSNL है, DGP11 है हमारे साथ, जो सारे पुलिसकर्मियों की टीम है। हमारे साथ गोल्डन ग्रुप है, हमारे साथ एक NHDC है जिसका जल विद्युत जिसको कहा जाता है, जिसमें हमारे जो सारे प्लेयर्स थे वो सागर से आए थे, उनने कल ही हमारे साथ क्वार्टर फाइनल्स भी खेला। और इसी के साथ हमारे इसमें डॉक्टर रजा की टीम थी, ऐसी ही कुछ 12 कॉर्पोरेट टीम्स थी जिसमें से मोस्टली जो सारी टीम्स थी वो भोपाल की। हम लोगों का फाइनल कल खेला जाएगा, कल ओल्ड कैंपियन के ग्राउंड में 5 बजे से फाइनल शुरू होगा। इसमें जो हमने इनाम रखा है वो है 75,000 फर्स्ट प्राइज एंड 50,000 सेकेंड रनर अप। जी, हम लोग जैसे अभी हमने मौन व्रत जो यहाँ पे आयोजन किया, हम लोग बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, इसमें हम लोगों को तहे दिल से दुख है और ये हम लोगों को इट्स वेरी डिसहार्टनिंग एट द सेम टाइम। तो इसके लिए हमारा पूरा सारांश टाइम्स का परिवार साथ में खड़ा है। मेरा नाम असलान ताहिर है, मैनेजिंग डायरेक्टर सारांश टाइम्स। श्रद्धांजलि सभा किस लिए रखी गई है, क्या है बताया? देखिए, बड़ा दुख का विषय है कि एक बड़ी घटना है, आज की तारीख में हमारे रक्षकों के साथ में उनके सरेआम शिकारियों द्वारा गोली चला के उनकी हत्या कर देना, ये बड़ा दुख का विषय है। और सरकार जिम्मेदार व्यक्ति सरकार के बैठे हुए हैं, उनके कान के नीचे जू निंगने वाली बात है, आज अभी तक वो पकड़े भी नहीं हैं। तो हमारी जो मांग है कि सरकार को सख्त सख्त उनको पकड़कर उनको सजा देने चाहिए और आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसकी हम लोग मांग करते हैं। और उनकी आज श्रद्धांजलि सब लोगों ने आज दी है, हमारी पार्टी कांग्रेस की तरफ से सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और आगे हमारी यही मांग है कि शिवराज जी, अगर इस तरीके की घटना, पुलिस ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो आगे आम जनता का क्या होगा, ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी ने तो छोड़ने की बात तो वो हमेशा ही करते हैं, सरेआम लोगों के जिनके हाथ कटे हुए थे उनके लिए पत्थर के आरोप लगा के उनके लिए घर तोड़ दिए, तो ये तो क्या बोलते हैं, इनकी करनी और करनी में दोनों में अंतर है। कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट है जी, जो हम लोगों ने 5 मई से शुरू करा था। इसमें विभिन्न भोपाल के कॉर्पोरेट्स ने एंट्री फीस 20,000 रुपये देके पार्टिसिपेट करा है और इसका कल हम लोगों का फाइनल मैच है। कहाँ कहाँ से टीम आई है इसमें? BSNL है हमारी, DGP11 है, नगर निगम है, जल विद्युत है, समर ड्यूरा टेक है, गोल्डन 11 है,
और ये तो टीम्स जो अभी बची हैं, बाकी जो कुछ टीम नॉकआउट लीग में जो बाहर हो गई उसमें भी काफ़ी सारी टीम्स थी, 6 टीम तो थी बाहर। क्या आपने फर्स्ट प्राइज क्या है? फर्स्ट प्राइज़ हम लोगों का 75,000 रुपीज़ कैश है, जो टीम जीतेगी उसको। रनर सबकी जो टीम रहेगी उसको हम लोग 50,000 रुपीज़ कैश दे रहे हैं। सर, इस प्रकार का टूर्नामेंट आप कितने वर्षों से लगातार करवा? नहीं, ये हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने पहली बार टूर्नामेंट कराया, बट ये हर वर्ष को हम लोग ये सोच ये भावना कहाँ से उत्पन्न हुई कि हमें टूर्नामेंट करवाना है? कैमरा की तरफ ये सब हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग खुद भी क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं और भोपाल में क्रिकेट का जो है चाहने वाले सबसे ज़्यादा हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम इसे क्रिकेट का टैलेंट को भी नर्चर करें आगे। थोड़े हम लोगों के प्लान हमारे बिजनेस ग्रुप के कुछ अकेडमी वगैरह के लिए भी वो रहेंगे कि हम इसको लोगों को अच्छी तरह पहचाने, टैलेंट को जल्दी से जल्दी फील्ड सजा लीजिए, सहयोग से मीडिया के लिए के साथ सहयोग से उनको ऊपर, 2 मिनट भी नहीं लगेगा मैच शुरू हो जाएगा। क्रिकेट का सबसे ज़्यादा फटाफट फील्ड चाहने वाले सबसे ज़्यादा क्रिकेट के हैं, तो भोपाल को देखते हुए और चाहने वालों को देखते हुए हमने इस चीज़ को शुरुआत। सर, आपका नाम बता दें? अब्दुल ताहिर। कुछ नाम जुड़े हैं उसमें से BSNL है, DGP 11 है हमारे साथ, जो सारे पुलिस कर्मियों की टीम है, हमारे साथ गोल्डन ग्रुप है, हमारे साथ एक NHDC है जिसका जल विद्युत जिसको कहा जाता है, जिसमें हमारे जो सारे प्लेयर्स थे वो सागर से आए थे, उनने कल ही हमारे साथ क्वार्टर फाइनल्स भी खेला, और इसी के साथ हमारे इसमें डॉक्टर रजा की टीम थी, ऐसी ही कुछ 12 कॉरपोरेट टीम्स थी जिसमें से मोस्टली जो सारी टीम्स थी वो भोपाल की थी। सर, फाइनल कब खेला जाएगा और पहला इनाम क्या रखा गया है? हम लोगों का फाइनल कल खेला जाएगा, कल ओल्ड कैंपियन के ग्राउंड में 5 बजे से फाइनल शुरू होगा। इसमें जो हमने इनाम रखा है वो है 75,000 फर्स्ट प्राइस एंड 50,000 सेकेंड रनर अप। आज श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई जी थी। जी, हम लोगों का, हम लोग जैसे अभी हमने मौन व्रत जो यहाँ पे आयोजन किया, हम लोग बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, इसमें हम लोगों को तहे दिल से दुख है और ये हम लोगों को इट्स वेरी डिसहार्टनिंग एट द सेम टाइम, तो इसके लिए हमारा पूरा सारांश टाइम्स का परिवार साथ में खड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।